कई बार धरती पर ऐसी अनोखी घटनाएं घट जाती हैं, जिन पर किसी को भी आसानी से विश्वास ही नहीं होता। ऐसी कई घटनाओं के पीछे की वजह सुलझाने में या तो वैज्ञानिक लगे हुए हैं या फिर उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। इसलिए आमतौर पर लोग इन्हें कुदरत का खेल बताकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये घटनाएं बिल्कुल सच है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों वाली सुनामी के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी आइस सुनामी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो नॉर्दर्न न्यूयॉर्क का ये विजुअल देखिए, जिसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही हवाएं इसके किनारों पर बर्फ ही बर्फ फैला देती है। ये आइस सुनामी अमेरिका और कनाडा के हैवी लेक इलाकों में कई बार देखने को मिल जाती है। भले ही ये नजारा देखने में खूबसूरत लगे, लेकिन ये मुश्किलों से कमतर नहीं होता। उपग्रह से ली गई सुनामी की ये तस्वीरें द्वीपीय राष्ट्र टोंगा की है। ये सुनामी जनवरी 2022 में समुद्र के भीतर एक ज्वालामुखी फटने की वजह से आई थी। ज्वालामुखी के फटने से प्रशांत महासागर में इतना जोर का विस्फोट हुआ कि समुद्र की लहरें उफान के साथ किनारों तक पहुंचने लगी। ज्वालामुखी के विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि ये अलास्का तक सुनाई दी थी। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में आप प्रशांत महासागर के ऊपर राख, भाप और गैस की मोटी परत उठते हुए देख सकते हैं। अब बात अमेरिका में ओरेगन कोस्ट दरिया के किनारे एक अनोखे कुंड की, जिसकी खासियत है कि ये समुद्र के पास होने के बावजूद पानी से नहीं भरता। लेकिन जब समुद्र की लहरें उठती है तो वे इस कुंड के किनारे खड़े लोगों को कुंड की तरफ खींच लेती है, जिसके बाद कुंड से बाहर निकलने की संभावना बेहद कम रहती है। बताया जाता है कि कई लोग ऐसे हादसे का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। मीलों तक उठती आग की ये लपटें कुदरती नहीं है, बल्कि कुवैत के गोदाम में जानबूझकर लगाई गई आग है, जो कि इन बेकार टायरों को नष्ट करने के लिए लगाई गई है। वैसे इस भीषण आग की वजह से व्यापक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषित हुआ था, इसके बावजूद इस घटना को अंजाम दिया गया। आपने रेत के बवंडर तो कई बार देखे होंगे, लेकिन ऐसा बवंडर कभी नहीं देखा होगा। इसे रिकॉर्ड किया है प्लेन में बैठे पायलट ने, जिसने इस बवंडर के चारों ओर प्लेन को उड़ाते हुए उसे कैमरे में कैद कर लिया। हजारों फीट की ऊंचाई से ये बवंडर कितना बड़ा रूप धर लेता है, इस विजुअल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में सफेद नेट की मखमली चादर कुछ और नहीं, बल्कि भारी बारिश के बाद मकड़ियों का पेड़ पौधों पर डाला गया डेरा है, जो धीरे धीरे इतना ज्यादा फैल गया कि एक विशाल जाल की तरह दिखने लगा। ब्रिटेन में आए इस आग का बवंडर यानी फायर टॉर्नेडो को देखकर तो आपकी रूह ही कांप जाएगी। इस बवंडर की शुरुआत छोटी सी आग के रूप में होती है, लेकिन जब ये अपना विकराल रूप धारण करता है तो सब कुछ तहस नहस कर डालता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भीषण गर्मी के कारण धुएं और आग का ऐसा गोला बनता है जो 1000 फीट से ज्यादा चौड़ा हो सकता है। इसकी रफ्तार 265 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। कभी कभी तो आग का ये बवंडर जंगलों में आग की वजह भी बन जाता है। अमेरिका के वेस्टब्रुक शहर की प्रिस्कॉट नदी तब चर्चा में आई जब इस नदी पर 100 मीटर की बर्फ की डिस्क बनकर इसकी सतह पर गोल गोल घूमने लगती है। शहर के बीचों बीच बनी इस डिस्क को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। थ्योरी कहती है कि जब सर्दियों के दिनों में पानी का बहाव बेहद धीमा होता है तो ये जमने लगता है। नदी में भंवर बनने के चलते यह एक डिस्क का रूप धर लेता है।
अब जैसे जैसे नदी के उस पानी में अधिक तापमान वाले पानी का प्रवाह बढ़ेगा, वैसे वैसे ये डिस्क तेजी से घूमने लगती है। सी फॉर्म यानी समुद्री झाग का बनना एक नेचुरल फिनोमिनन है, जो पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों में हवा को इंजेक्ट करती है, जिससे बुलबुले बनते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो ज्यादातर मृत सूक्ष्म जीवों, पौधों के प्रोटीन, शैवाल आदि की मौजूदगी और नमकीन पानी के मिलने से बनते हैं, फिर हवाओं और लहरों के साथ किनारों पर आ जाते हैं। लेकिन तूफान जैसी स्थिति में ये भयंकर रूप ले लेते हैं और पूरे के पूरे शहर को अपनी चादर में ढक लेते हैं। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे देशों में हो चुका है। जिस सहारा रेगिस्तान में 55 डिग्री तक तापमान चला जाता है, उसी सहारा रेगिस्तान में पिछली सर्दियों में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। सहारा रेगिस्तान में बर्फ की चादर जमना एक हैरान करने वाली बात थी, लेकिन ये सच और अद्भुत घटना थी। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाकर ये वीडियो तैयार हो पाता है। इसलिए इन वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब तक आपने खोलते ज्वालामुखी के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी बर्फ से बना ज्वालामुखी देखा है, जिसमें से गर्म लावा नहीं बल्कि बर्फीला लावा निकलता है? जी हाँ, ऐसा चमत्कार कजाकिस्तान में देखने को मिला था, जहाँ राजधानी नूर सुल्तान से महज कुछ घंटे की दूरी पर अलमाती क्षेत्र के कीगन और शगानक गांव के बीच 45 फीट ऊंचा बर्फीला ज्वालामुखी बना है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। पिछले साल फरवरी में इसी तरह की आकृति अमेरिका के लेक मिशिगन में देखने को मिली थी। मिशिगन के सोगातुक में ओवल बीच पर इस तरह विशाल बर्फ का पहाड़ देखने को मिला था, इसमें से पानी बाहर निकल रहा था। कैलिफोर्निया के योजमाइट नेशनल पार्क में हर साल फरवरी के महीने में कुछ पलों के लिए एक आग का झरना दिखाई देता है। इस अकल्पनीय आग के झरने को देखने के लिए दुनिया भर के हजारों लोग आते हैं। कैलिफोर्निया में करीब 1500 फीट ऊंची चट्टान से बहते लावा सी शक्ल लिए हॉर्सटेल फॉल ऐसा लगता है जैसे किसी ज्वालामुखी से बहता हो। अब सुनिए दिलचस्प बात, वो ये है कि ये झरना कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आँखों का धोखा है। और दरअसल यहाँ आग जैसा कुछ नहीं, हॉर्सटेल फॉल पानी का ही झरना है, ये सिर्फ रोशनी का खेल है। नेशनल पार्क के मुताबिक सूरज इस झरने के ठीक सामने अस्त होता है। जब ये खास एंगल पर होता है तो ये झरना नारंगी लाल रंग का दिखने लगता है। इन दिनों शाम को करीब 10 मिनट के लिए यह झरना लावा की शक्ल लेता है। ओवे ही में काउंटी सड़क पर हजारों टंबलवीड उड़ते हुए इस पार से उस पार जा रहे हैं, यह किसी बवंडर की तरह लग रहा है। हैरान कर देने वाला ये दृश्य पूरी तरह से प्राकृतिक है। टंबलवीड साल के अधिकांश समय जमीन में उगते हैं, लेकिन सर्दियों में वो सूख कर मर जाते हैं, और जब तेज हवाएं चलती है तो वे टूट जाते हैं और अपने बीजों को दूर दूर तक बिखेरने के लिए पूरे लुढ़कते हुए डेजर्ट में चारों ओर फैलने लगते हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक पौधा 2.5 लाख बीजों तक फैला सकता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की वो प्राकृतिक घटनाएं जो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आपने भी कोई ऐसी अनोखी प्राकृतिक घटना कभी देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।